नमस्ते उषा नार किचन से, आज उषा नार सबको नमस्ते कर रही हूँ। मैं आज चाइनीस बेल बनाने जा रही हूँ। ये बहुत झटपट बनता है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। ये होटल जैसा ही बनता है और बहुत जल्दी बना सकते हैं। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाइनीस बेल के लिए इन्ग्रीडियंट्स, ये नूडल्स है, इसको मैंने तेल में फ्राई किया हुआ है। इसको तेल में फ्राई करना है, ऐसा फ्राई किया हुआ भी मिलता है। ये मैंने प्याज, कैरेट, बेल पेपर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी लिया हुआ है, टमाटर भी है। ये टमाटो सॉस है, ये रेड चिली सॉस है, ये सोया सॉस है। फ्रेंड्स, अभी हम चाइनीस बेल बनाते हैं। ये एक प्लेट के लिए मैं सब्जी डाल रही हूँ। इसमें एक टीस्पून चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस थोड़ा ही डालना है। अभी इसको अच्छे से मिलाना है, बाद में हम नूडल्स डालेंगे। जब जब किसको चाहिए तभी ये थोड़ा थोड़ा डाल के ही बनाना है, नहीं तो नूडल्स अभी डालेंगे तो सागी हो जाएगा। पहले अच्छे से ये सब सॉस और ये सब्जी मिलाइए। अभी नूडल्स डाला है मैंने, अच्छे से मिलाना है, पूरे सब्जी और सॉस सब अच्छे से मिलना है इसके साथ। इसमें ना नमक मिर्ची कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि चिली सॉस डाला हुआ है। आप इसको चख के देखिए, आपको और थोड़ी मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो आप चिली सॉस और ज़्यादा डाल सकते हैं, या थोड़ा मीठा चाहिए तो टमाटो सॉस और डाल सकते हैं। ये बनकर तैयार है, एक जने के लिए पर्याप्त है। ऐसे हमको कैसे कब कब खाना है तब तब ही मिलाना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, चाइनीस बेल बनकर तैयार है। इसमें और आपको सब्जी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, टमाटो सॉस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, तिक्का ज़्यादा चाहिए तो चिली सॉस ज़्यादा डाल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भी लगता है और सब्जी भी होने से हेल्थी भी है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब जने बना सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।